साइंस। वेल ज्योग्राफी, वेल ज्योग्राफी में सारे पोर्शंस हम देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। आज मैं एशिया से शुरुआत करूंगी और एशिया को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, चाइना, जापान, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया एज अ होल रीजन एंड वेस्ट एशिया एज अ होल रीजन। बट टूडे वेस्ट एशिया आज नहीं हो पाएगा, सिर्फ साउथ एशिया तक हम देखेंगे। एशिया में आपको लगेगा कि साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ गई, वेयर इज दी साउथ एशिया, वो सेल्फ स्टडी। जनरली हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसी कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे सब्सटेंशियल अमाउंट में मिनरल रिजर्व हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। और साउथ एशिया में इंडिया जो जायंट है, उसके अलावा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम जानते हैं कि एक तो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके ज्योग्राफिकल साइज बहुत ही कम, राइट, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और इन सभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ऐसा कोई सब्सटेंशियल मिनरल या एनर्जी रिसोर्सेस नहीं मिलते, ना ही वहाँ पे इंडस्ट्रियल ऐसा कोई अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, राइट। स्पेशली अगर मैं बड़े देश में अगर मैं सोचूं बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई अलग ही तरीके की इंडस्ट्रीज है जो हम तो इसीलिए सेल्फ स्टडी में आप एनसीईआरटी की क्लास 6 डिस्कवर ज्योग्राफी की बुक है, उसमें एशियन सेक्शन है, वहाँ पे आप साउथ एशिया के एटलीस्ट फिजिकल फीचर्स और उसके एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल रीडिंग करनी हो तो बोथ क्लास 6 एंड 7 बोथ आप एनसीईआरटी डिस्कवर ज्योग्राफी देखेगा, सारे ऑलमोस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका जाए। सो साउथ एशिया इज इन द सेल्फ स्टडी। शुरुआत करते हैं हम चाइना से। सबसे पहले चाइना की फिजिकल ज्योग्राफी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चाइना की फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले उसकी माउंटेन रेंजेस पर हम देखें, राइट, कुंडुन शान, तियान शान, अल्ताइन शान, जो वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस। मैंने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था तब बोला था कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, राइट, और उसकी वजह से हिमालयन रेंजेस के अलावा और बहुत सारी रेंजेस एशिया में जो थी इमर्ज हुई थी, राइट, पामीर नॉट मैंने रीजन बताया था, और उस पामीर नॉट रीजन में से कुंडुन शान, तियान शान और अल्तुन शान या अल्ताई शान, ये सारी माउंटेन रेंजेस उस पामीर नॉट से इमर्ज हुई थी, राइट। ये कुंडुन शान पूरे सेंट्रल चाइना से एक्सटेंड होती है, अल्तुन शान, किनलिंग शान, तियान हान शान, इस तरह से पूरी रेंज एक्सटेंड होती है। इसके अलावा इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो टकराव हुआ था, कोलिशन हुआ था, उसकी वजह से कुंडुन शान और हिमालयन रीजन के बीच का लैंड अपलिफ्ट हो गया और वो बना तिब्बतन प्लेट। तिब्बतन प्लेट टू वो एक अपलैंड है और उसके एजेस पे भी कुछ छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस है पैरेलली जो रन करती है। उसके बाद सदर्न चाइना में भी प्लेट्यू रीजन यूनान प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद कुछ छोटी सी सदर्न हिल्स यानी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस चाइना के साउथ साइड पर भी है। ऊपर के नॉर्दर्न साइड पर अगर हम चाइना में देखें तो वहां पे भी अपलैंड रीजन है और वहां पे सेंट्रल रीजन में एक प्लेट्यू जिसे लोएस्ट प्लेट्यू कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने बताया था कि ये लोएस्ट प्लेट्यू उसके सराउंडिंग जो माउंटेन रेंजेस है और जो डेजर्ट्स है, डेजर्ट में मैं देखूंगी कि गोबी डेजर्ट्स है यहाँ पे उसके नॉर्थ में, तो उस गोबी डेजर्ट्स में से आती हुई सैंड इस प्लेट्यू पे यानी इस रीजन में डिपॉजिट हुई है और इसकी वजह से ये प्लेट्यू क्रिएट हुआ जिसे लोएस्ट प्लेट्यू कहता है, राइट। तो ये पूरा नॉर्दर्न चाइना पे प्लेट्यू रीजन है, ऊपर एक माउंटेन रेंज है ग्रेट खिनगान रेंज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चाइना का मोस्ट ऑफ द पोर्शन माउंटेनियस रीजन है या प्लेट्यू रीजन है, राइट। यहाँ नॉर्थ से लेके सारी माउंटेन रेंजेस और यहाँ पे भी आप साउथ में भी देखें प्लेट्यू और हिल्स रेंजेस। सिर्फ ये जो ग्रीन कलर दिखाया गया वही उसका प्लेन रीजन है, उसके बीच में भी ये जो रीजन है सेंटर में वो भी एक पेनिनसुला जो शानडोंग पेनिनसुला कहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द चाइना इज माउंटेनियस। उसके कुछ बेसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिन का मतलब यहाँ पे आप कोई वेट रीजन ऐसा मत लीजिएगा। बेसिन यानी एक डिप्रेशन, एक बड़ा सा फ्लैट लैंड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, राइट, और ये ड्राई रीजन भी हो सकता है। अल्ताई शान, नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न मोस्ट अल्ताइन शान और तियान शान के बीच में एक बेसिन है जिसे सुंगारिन बेसिन कहते हैं। उसके बाद तियान शान और अल्तुन शान के बीच में जो बेसिन है उसे तरीम बेसिन कहते हैं, और उसके बाद किनलिन शान या अल्तुन शान और कुंडुन शान के बीच में जो बेसिन है उसे कैदाम बेसिन कहते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स, आपको इस सारे फीचर्स अपने एटलास में नोट करने होंगे। उसके बाद किनलिन शान के नीचे जो बेसिन है सिजुआन बेसिन कहते हैं, राइट। तो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट बेजिन्स ऑफ चाइना। इसके बाद डेजर्ट्स ऑफ चाइना, लोएस्ट प्लेट्यू के नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड पे डेजर्ट्स हैं। नॉर्दर्न साइड पे गोबी डेजर्ट,
सदर्न साइड पे ऑर्डोस डेजर्ट और उसके बाद तरीन बेजिन के भी वेस्टर्न साइड पे एक डेजर्ट जिसे कहते हैं टकला मकान। तो दिस आर थ्री इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ चाइना। उसके प्लेन रीजन, सिर्फ दो बड़े प्लेन रीजन है चाइना में। फर्स्ट जो यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट उसे मंचूरियन प्लेन कहते हैं और सदर्न साइड पर है उसे नॉर्थ चाइना प्लेन कहते हैं। राइट, द इंपॉर्टेंट प्लेन्स ऑफ चाइना। पहले हमने देखा कि चाइना जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट माउंटेनियस है, 1/3 ऑफ चाइना इज माउंटेनियस और उसका प्लेन रीजन बहुत ही कम। राइट, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न पूरा पोर्शन जो है वहां पे प्लेट्यू रीजन है, वहां पे कॉन्टिनेंटल यानी इंटीरियर ऑफ द लैंड है। राइट, इसलिए वजह से माउंटेन रेंजेस प्लेट्यू, उनकी वजह से क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है वो बहुत ही हार्श होती है। तो वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ही कम है। चाइना की 90% पॉपुलेशन उसके ईस्टर्न कोस्ट पे रहती है। राइट, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे ही प्लेन रीजन है, राइट, वार्म कंडीशन है, हैबिटेबल कंडीशन है। ये सारे फीचर्स है, दिस इज जस्ट टू नोट इन योर एटलस, इट्स अ लिस्ट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ चाइना। वन बाय वन मैं कुछ बेसिन के बारे में डिटेल में लेना चाहती हूँ। जुंगारियन बेसिन, जुंगारियन बेसिन जो अल्ताइन शान और तियान शान के बीच में, शान यानी चाइनीज में उसका मीनिंग माउंटेन होता है, सो एवरी माउंटेन रेंज के पीछे शान वर्ड आता है। जुंगारियन बेसिन बेसिकली एक ड्राई रीजन है। राइट, वहां पे उसके सराउंडिंग रीजन में ग्रासलैंड रीजन है, जो स्टेपे सेंट्रल एशिया में हमने देखा था टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपे ग्रासलैंड, उसके सराउंडिंग रीजन में इस तरह के स्टेपे ग्रासलैंड लोकेटेड है। यहाँ पे उइगुर पॉपुलेशन है। अगर ये इस पूरे प्रोविंस की बात करूं तो ये जिनजियांग उइगुर प्रोविजन है, जहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं। उइगुर या फिर ये जिनजियांग उइगुर जो पूरा प्रोविंस है काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। यहाँ के उइगुर रीजन के उइगुर मुस्लिम्स जो है वो चाइना से सेपरेट होना चाहते हैं, अपना एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उइगुर मुस्लिम्स पाकिस्तान में टेररिस्ट की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वहां पे वापस आके इस प्रोविंस में पब्लिक प्लेसेस में नाइफ अटैक्स करते हैं टू डिमांड द सेपरेट नेशन। राइट, तो ये उइगुर मुस्लिम का प्रॉब्लम चाइना में यहाँ पे चल रहा है और ये प्रोविंस में ये जुंगारियन बेसिन लोकेटेड है। इस उइगुर प्रोविजन का जो कैपिटल है उरुमकी, वो भी जुंगारियन बेसिन में लोकेटेड है। राइट, उसके बाद हम जब रशिया में देखेंगे तो रशिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है ओब इर्तिश रिवर। उस इर्तिश रिवर इस अल्ताइन माउंटेन से निकलती है और जुंगारियन बेसिन से पास होती हुई निकलती है। सो रिमेंबर दैट। चाइना में वैसे दो ऐसे स्टेट है जहां पे इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है, एक ये उइगुर प्रोविंस और दूसरा है तिब्बत। लेकिन तिब्बत में सेपरेटिस्ट मूवमेंट और पीसफुल मूवमेंट सिर्फ 2010-8 के अराउंड वहां पे सेल्फ इमोलेशन के इंसिडेंट्स होते थे, जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो अपने आप को जलाकर अपने सेपरेट तिब्बत की डिमांड करते थे। लेकिन वो पूरा एंगल अब काफी और नए इश्यू पे चला गया, मतलब उसके काफी टर्न्स आ गए, दैट इज पार्ट ऑफ आयत। बट उइगुर का जो प्रॉब्लम है इट इज स्टिल अ हेडेक फॉर चाइना। इसके बाद तरीम बेसिन, तरीम बेसिन के अंदर एक तरीम रिवर आती है, इट्स कॉल्ड तरीम बेसिन। राइट, यहाँ पे एक लेक है लोप नूर लेक, ये चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है वहां पे। उसके बाद है कैदाम बेसिन, ये शॉल्टी और मार्शल एंड है जस्ट लाइक और कच्छ। राइट, यहाँ पे लेकिन पेट्रोलियम के काफी बड़े रिजर्व्स मिले गए हैं, जिसमें एक बड़ी ऑयल फील्ड है मनघाई ऑयल फील्ड। उसके बाद यहाँ पे आयरन ओर के भी रिजर्व मिलते हैं, जिसके फेमस आयरन ओर माइन है गोलमुल। इसके अलावा पेट्रोलियम और आयरन के अलावा यहाँ पे पोटाश बोरोन, उसका भी यहाँ पे रिसोर्स मिलता है, रिजर्व मिलता है। और यहाँ पे क्योंकि सॉल्टी मार्शल लैंड है लेकिन फिर भी उसको रिक्लेम करके यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, इरीगेशन फैसिलिटी के यूज करने से वहां पे व्हीट कल्टिवेशन यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद है कैदाम बेसिन, कैदाम बेसिन एक्चुअली ये जो पूरा प्रोविंस है ये किंघाई प्रोविंस के अंदर, और ये किंघाई प्रोविंस जो है वो चाइना का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम है, और इसके अलावा पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सारे रिसोर्सेस इस किंघाई रीजन से मिलते हैं और ये सारे मिनरल रिसोर्सेस मोस्टली अराउंड कैदाम बेसिन से मिलते हैं। यानी कैदाम बेसिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोलियम, आयरन, पोटेशियम, बोरोन और इसके अलावा लिथियम और इससे अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज का भी रिजर्व। कैदाम बेसिन हमने कहा शॉल्टी और मार्शल लैंड, और वहां पे मोर देन 30 सॉल्ट लेक्स मिलते हैं और इसकी वजह से वहां पे सॉल्ट का प्रोडक्शन भी बहुत ही हाई है। क्लाइमेट ऑफ चाइना, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हमने जब देखा था तब हमने दो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ा था, लॉरेंशियन टाइप एंड चाइना टाइप। चाइना टाइप यानी वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन एंड लॉरेंशियन इज वार्म टेम्परेट सॉरी कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। तो चाइना का
चाइना के अंदर इस दो तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। सदर्न चाइना में चाइना टाइप यानी वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है और नॉर्दर्न चाइना में लॉरेंशियन टाइप यानी कि कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप का क्लाइमेट है। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं चाइना टाइप क्लाइमेट में होने की वजह से सदर्न चाइना में रेन थ्रू आउट द ईयर है। समर सीजन में भी जैसे इंडिया में तिब्बतन प्लेटू का इंटेंस हीटिंग होता है और नॉर्दर्न ट्रेड विंड इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती है और वहां पे बारिश होती है, वैसे ही सेम फिनोमेनन से यहाँ पे बारिश होती है। इंटीरियर चाइना में जो भी प्लेटू रीजन है उनका इंटेंस हीटिंग होता है और नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स का अट्रैक्शन होता है उसके चाइना के मेनलैंड की तरफ और उसकी वजह से वहां पे भी समर सीजन में मॉनसून या बारिश होती है जिसे वो साउथ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। उसके अलावा विंटर सीजन में भी यहाँ पे बारिश होती है, उसकी वजह है साइबेरियन प्लेटू ऑफ रशिया। साइबेरियन प्लेटू बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क राइट और इंटीरियर है, लैंड के बहुत ही इंटीरियर साइड पर है और इसकी वजह से विंटर सीजन में टेम्परेचर वहां पे बहुत ही कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है, हाई प्रेशर कंडीशन बनती है, हाई प्रेशर कंडीशन में होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यानी कि विंड डिसेंड करती है और फिर अलग अलग डिरेक्शन में वो डाइवर्जिंग मूवमेंट करते हैं। इस तरह से साइबेरियन की हाई प्रेशर कंडीशन में विंड अलग अलग डिरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ये विंड क्योंकि लैंड में से आए होते हैं, ड्राई होते हैं राइट, क्योंकि ठंडे होते हैं, ज्यादातर बारिश से नहीं दे पाते, लेकिन जब ये विंड येलो सी के पास से गुजरते हैं येलो सी में से वो मॉइस्चर एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद इस सदर पोर्शन में बारिश होती है राइट। तो विंटर सीजन में भी यहाँ पे साइबेरियन विंड की वजह से यहाँ पे बारिश होती है। चाइना टाइम में लेट समर सीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से लेट समर में बारिश होती है, वहां पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से बारिश होती है जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन को चाइना में टाइफून्स कहते हैं। तो लेट समर में भी बारिश होगी यहाँ पे। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट यानी नॉर्दर्न चाइना का क्लाइमेट, यहाँ पे भी बारिश पूरे साल होती है लेकिन समर सीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है और समर सीजन में बारिश होने की वजह है कि यहाँ पे भी समर सीजन में इंटीरियर जो सेंट्रल उसका मेनलैंड है वहां पे इंटेंस हीटिंग होती है और पैसिफिक ओशन से जो विंड्स आते हैं उनका अट्रैक्शन होता है इस मेनलैंड की तरफ और फिर इस नॉर्दर्न चाइना में बारिश होती है। विंटर सीजन में सेम फिनोमेना से बारिश होती है जिस फिनोमेना से सदर्न चाइना में होती है, लेकिन फर्क इतना है कि साइबेरियन विंड जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से जो विंड बाहर अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होते हैं, सदर्न चाइना को तब बारिश मिलती है जब वो येलो सी से पास होते हैं, येलो सी के पास होने की वजह से उनको मॉइस्चर मिलता है, लेकिन ऐसा मॉइस्चर नॉर्दर्न चाइना को नहीं मिलता। सिर्फ जब ये विंड यहाँ पे जो भी सारी माउंटेन रेंजेस चाइना में लोकेटेड है या प्लेट्यू लोकेटेड है उसकी वजह से ये साइबेरियन विंड्स का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है और इसकी वजह से वो सैचुरेटेड होके उनके माउंटेन रेंजेस के आसपास स्नोफॉल होता है राइट। इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ा बहुत स्नोफॉल नॉर्दर्न चाइना में विंटर सीजन में। वेजिटेशन इन चाइना ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्योंकि पूरे साल बारिश है यहाँ पे राइट और मोस्ट ऑफ द चाइना वार्म क्लाइमेट, ग्रोइंग पीरियड उसका लार्ज है और इसीलिए एवरग्रीन ब्रॉडली वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है, खास करके बाम्बू फॉरेस्ट राइट, ग्रासेस फर्न्स पाम्स की बाम्बू फॉरेस्ट चाइना में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इन चाइना, चाइना के पास बहुत ही लिमिटेड एग्रीकल्चर या एरेबल लैंड है राइट। मोस्ट ऑफ द चाइना वन थर्ड ऑफ चाइना इज माउंटेनियस, जितना भी लैंड है उसमें इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इंटेंसिव फार्मिंग होना यानी छोटे से छोटे लैंड के पैचेस का इंटेंसिवली कल्टीवेशन करना। सबसे इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है चाइना का राइस। चाइना राइस, वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, रेपसीड, सिल्क इन सभी क्रॉप्स में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर से राइस, वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, रेपसीड एंड सिल्क। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ चाइना। सबसे पहले नॉर्थ में एक रिवर है यहाँ पे अमूर रिवर जो चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है। उसके बाद है यहाँ पे हवांगे रिवर या इसे येलो रिवर कहते हैं। उसके बाद नीचे है यांगत्से रिवर, इसे चांगज़ियांग रिवर कहते हैं। उसके बाद नीचे ज़ीज़ियांग रिवर या उसे पर्ल रिवर भी कहते हैं। इस आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ चाइना और ये सारी रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और ये भी बताती है कि इस रीजन की टोपोग्राफी कैसी है राइट। टोपोग्राफी इस तरह से होगी यानी कि पूरा लैंड उसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, तभी उसकी वजह से ये सारी रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। हम देख चुके हैं कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन में और वेस्टर्न पार्ट में सारे माउंटेनियस रीजन है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे वो मर्ज हो जाती है। एग्रीकल्चर के सारे रीजन में हम देखेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल हवांग है बेसिन के अराउंड जो एग्रीकल्चर डेवलप है उसके बारे में देखेंगे। हवांग है रिवर या येलो रिवर चाइना की, जो नदर्न चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ये पेरेनियल रिवर है, यानी कि पूरे साल इसमें पानी रहता है। हाईएस्ट सेडिमेंट कैरिंग रिवर ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो ये माउंटेनियस रीजन से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन को भी इरोड करती है, सेडिमेंट इकट्ठा करती है, उसके बाद ये एंटर प्लेन में नहीं करती लेकिन फिर से एक प्लेट्यू रीजन में करती है, लोएस्ट प्लेट्यू। एंटर भी लोएस्ट प्लेट्यू में करती है, लोएस्ट प्लेट्यू को भी कट करती हुई आगे निकलती है। इसे प्लेट्यू को भी इरोड करने की वजह से वो भी सेडिमेंट उसे मिलता है, और इसीलिए ये रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेडिमेंट कैरिंग रिवर बन गई। और जब भी रिवर के पास इतना ज्यादा सेडिमेंट होता है वो उसकी रिवर बेसिन में इकट्ठा होगा, राइट, तो बहुत ही जल्दी उसका रिवर बेसिन शैलो हो जाएगा और फिर वो नए नए अपने कोर्स बनाएगी। और इसीलिए ये रिवर उसके शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्टिंग कोर्स के लिए जानी जाती है, राइट, और इसीलिए फ्लड प्रोन रिवर भी है ये। यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्दर्न चाइना में लॉरेंशियल टाइप क्लाइमेट है, राइट, टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, इसीलिए यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है, यानी हवांग के रिवर व्हीट कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। इसके बाद है यांगत्से रिवर, चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर फॉर एग्रीकल्चर। चाइना का हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस यांगत्से रिवर के अराउंड होता है। सिजवान बेसिन जो चांगजियांग रिवर यांगत्से रिवर जो वी शेप बनाती है उसके बीच में या नॉर्दर्न साइड पे सिजवान बेसिन लोकेटेड है। सिजवान बेसिन इज द राइस बॉल ऑफ चाइना। इसके अलावा राइस के अलावा भी यहाँ पे कॉटन, व्हीट, बार्ली, कॉर्न, मेज, बीन्स उनका कल्टीवेशन होता है। और ये रीजन मतलब ये पूरी रिवर में इतना पानी है प्लस उसका पूरा रीजन इतना फर्टाइल है कि यहाँ पे चाइना की 35% पॉपुलेशन रहती है। और ये पूरी रिवर नेविगेबल है और उसके कोस्टल रीजन पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल सिटीज भी लोकेटेड है और इसकी वजह से भी यहाँ पे चाइना की 35% पॉपुलेशन रहती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यहाँ पे थ्री गॉज डैम भी चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया जो उसकी इरीगेशन फैसिलिटी के लिए बढ़ावा देने के लिए, इरीगेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। एग्रीकल्चर के एक और रीजन इम्पॉर्टेंट है, बहुत शांतांग पेनिनसुला, वो सिल्क प्रोडक्शन, विनेयार्ड यानी ग्रेप का कल्टीवेशन, एप्पल्स, पियर्स और टी, क्योंकि ये प्लेटू रीजन है, स्लोपी रीजन है और इसकी वजह से टी का भी प्लांटेशन होता है। इस एग्रीकल्चर के लिए शांतांग तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ मिनरल रिसोर्स भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिलते हैं। आयरन ओर और गोल्ड शांतांग रीजन में एबंडेंट अवार्ड में मिलते हैं। उसके बाद है नॉर्दर्न मोस्ट मंचूरियन प्लेन, उसकी रिच ब्लैक सॉइल है इसके पास और लेकिन उसका विंटर, क्योंकि नॉर्दर्न साइड पर चाइना में लोकेटेड है, लॉरेंशियल टाइप का क्लाइमेट है, विंटर उसकी लॉन्ग है, राइट, और इसकी वजह से यहाँ पे सोयाबीन का कल्टीवेशन होता है। ये एरिया चाइना का सबसे लार्जेस्ट सोयाबीन ग्रोइंग एरिया है। उसके अलावा स्प्रिंग व्हीट व्हीट की एक ऐसी वेराइटी है जो विंटर सीजन में लेकिन स्प्रिंग सीजन में उगाई जाती है। स्वीट पोटेटो, कॉर्न, राइस, सोरगम और फ्लैक्स क्रॉप्स भी इस मंचूरियन प्लेन में उगाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग भी होता है। मंचूरियन रीजन उसके पेट्रोलियम रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा कोल, आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, यूरेनियम और लुम्बरिंग इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। देखिए, इस काइंड ऑफ यूनिक रीजन जहाँ पे पेट्रोलियम, कोल, आयरन और यूरेनियम इस सभी टाइप के इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, और इसके अलावा लॉरेंशियल टाइप का क्लाइमेट, सॉफ्ट वुड के फॉरेस्ट और इसकी वजह से लुम्बरिंग और पेपर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जस्ट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन। इसके सारे प्रोविंसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट, 23 प्रोविंसेस हैं चाइना में, उसमें से उसके अलावा 5 ऑटोनॉमस रीजन है, 4 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और 2 स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ चाइना। चाइना में इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है कोल, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद आयरन इसका वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 3 पेट्रोलियम और रेयर अर्थ में जो जिसमें चाइना की मोनोपोली। ये सारे मिनरल्स चाइना के सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। सबसे पहले चाइना के कोल रिजर्व, चाइना का सबसे बड़ा कोल रिजर्व उसकी सेंसी प्रोविंस में, एक्स का प्रोनाउंस चाइना चाइनीज लैंग्वेज में एस जैसा, सेंसी प्रोविजन में उसका सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। उसकी 3 बड़ी माइंस डाटोंग, शीशांग एंड हेडोंग उसकी 3 इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व या कोल माइंस है। इसके अलावा कैलांग बेसिन, शांची, सिजुआन, क्यूनान, हुनान, अनहुई, शेडोंग, हुबेई ये सारे रीजन में कोल रिजर्व पाए जाते हैं।
लियोनिंग प्रोविंस आप याद रखिए, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। ये मंचूरिया बेसिन में मैंने कहा था कोल रिजर्व भी मिलता है। लियोनिंग प्रोविंस में आयरन भी मिलेगा, कोल भी मिलेगा, आगे हम देखेंगे। तो लियोनिंग शैनशुई सॉरी लियोनिंग शैनसी एक ऐसे रीजन है जहां पे कोल और आयरन दोनों मिलता है। आयरन रिजर्व, सबसे बड़ा आयरन रिजर्व लियोनिंग प्रोविंस में मिलता है। अब सोचिए जहां पे आयरन और कोल दोनों ही मिलता हो वहां पे अब क्या होगा? स्टील प्रोडक्शन, स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। इनर मंगोलिया, हेबेई, शैनशी, गानशू, सिचुआन प्रोविंस, अनहुई, शैंडोंग, इस सारे प्रोविंस में आयरन रिजर्व मिलता है। पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ चाइना, सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व इस उइगुर प्रोविंस में मिलता है इन तरीम बेसिन। चाइना का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पे, उसकी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड करुमाई ऑयल फील्ड या दुशांसी ऑयल फील्ड चाइना की। उसके बाद कैदाम बेसिन में भी मिलता है, शांगली, डडांग, चोंगक्विन, जोंगयान, जियांगशु। उसके बाद लियाई ऑयल फील्ड, वो भी लियोनिंग जो हमने प्रोविंस देखा था उसी प्रोविंस के अंदर एक पेट्रोलियम की भी ऑयल फील्ड है, लियाओ है। उसके बाद टैक्विंग ऑयल फील्ड, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड है चाइना का। उसके अलावा ऑफशोर भी चाइना येलो सी में, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में ऑफशोर पेट्रोलियम रिजर्व भी चाइना में मिलता है। टीन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूसर चाइना। चाइना में यहाँ पे यूनान प्रोविंस है जहाँ पे यूनान प्लेटू है, वहां पे एक सिटी है गेजू सिटी। गेजो सिटी इज द टीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टीन का रिजर्व इस गेजो सिटी में मिलता है। उसके बाद रेयर अर्थ, चाइना वर्ल्ड का 90% या आज कह सकते हैं 97% ऑफ रेयर अर्थ का सप्लाई करता है। रेयर अर्थ क्या होते हैं? रेयर अर्थ एक 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है जो केमिकली एक दूसरे से सिमिलर है, और इन रेयर अर्थ जैसे एग्जाम्पल मोनोसाइड, जिरकॉन्स, उनका बहुत ही वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस है। जैसे कि ये यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइन्स, कैमरा लेंसेज, मैग्नेट्स, सोलर पैनल्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सभी चीजों में रेयर अर्थ का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक रेयर अर्थ है लांथानम, उसका ऑयल रिफाइनरी में यूज होता है। न्यूडीमियम एंड प्राजोडीमियम का यूज होता है मैग्नेट बनाने के लिए, वाटर के लिए मैग्नेट बनाने में। और एक है डिप्रोसीमियम, उसका यूज होता है हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने में, विंड टर्बाइन्स बनाने में, स्टील हेलीकॉप्टर्स बनाने में उसका यूज होता है। और एक है यट्रियम, इसका मिलिट्री जेट इंजन बनाने में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि रेयर अर्थ जो है वो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं। और चाइना में इनर मंगोलिया रीजन में बाउटाओ सिटी के पास में एक माइन है, बयान ओबो माइन। ये चाइना की सिंगल मोस्ट एंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ की माइन, राइट? मैंने बताया कि चाइना में 97% जो रेयर अर्थ का प्रोडक्शन होता है उसका वर्ल्ड में 97% सप्लाई करता है, उसके पास मोनोपोल है उसकी। लेकिन ये रेयर अर्थ उसको एनवायरमेंटल कॉस्ट से चुकाने पड़ता है। रेयर अर्थ को प्रोसेसिंग करने के लिए टॉक्सिक एसिड्स की जरूरत होती है, और उसके अलावा एक टन रेयर अर्थ प्रोड्यूस करने के लिए 2000 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और उसमें टॉक्सिक वेस्ट में इंक्लूड होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम। बाउटाओ सिटी के आसपास जो भी रेयर अर्थ के प्लांट है वहां पे इस ओपन कास्टिंग माइनिंग की वजह से इतना ज्यादा सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो गया है, इवन ग्राउंड वाटर भी टॉक्सिक हो चुका है। और हालत यहां तक पहुंची है कि पानी या जो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड पानी जो है वो हवांगे रिवर के पानी तक भी पहुंचने वाला है। सोचिए हवांगे रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्दर्न चाइना, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विल्ट कल्टिवेशन। तो चाइना इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट ये पॉपुलेशन। जब 1980s में रेयर अर्थ का प्रोडक्शन उसने स्टार्ट किया तब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब चाइना को महसूस हो रहा है कि ये पूरा पॉल्यूशन का लेवल कितनी हद तक बढ़ चुका है, राइट? और चाइना में जिस टेक्निक से ये प्रोसेसिंग होती है इट्स काइंड ऑफ वेरी प्रिमिटिव टेक्निक, ओपन कास्ट माइनिंग से होती है, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। लेकिन ये टेक्निक यूज करने की वजह ये थी कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे और उसकी वर्ल्ड में मोनोपोली बनी रहे। चाइना ने 2010 में इसीलिए उस रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया, उसने एक्सपोर्ट टैरिफ बहुत ही बढ़ा दी, और उसकी वजह से अपना एक्सपोर्ट 40% तक कम कर दिया। रीजन उसने दिया कि जो भी एनवायरमेंटल डैमेज ऑलरेडी उस माइन के अराउंड इनर मंगोलिया प्रोविंस में हो चुका है उसके रिक्लेमेशन के लिए उसने ये
ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाइए ताकि वो पैसा वहाँ पे जो भी टेक्निक या जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेसिंग हो रही है वो ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, कंपनसेशन लोगों को दिया जाए, जो भी पोल्यूशन हुआ है उसका रिक्लेमेशन हो पाए। ये उसने रीजन दिया था। लेकिन वर्ल्ड में माना जाता है कि इस एक्सपोर्ट कम करने की वजह एक और भी है, चाइना अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि उसके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वहां पे डिफेंस इंडस्ट्री या रेयर अर्थ यूज करने के बाद जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें उसकी मोनोपोली आ जाए, और इसीलिए उसे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। और इसकी वजह से चाइना में, क्योंकि उसकी मोनोपोली थी, रेयर अर्थ के दाम जैसे उसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए डबल से ट्रिपल हो गए। और इसकी वजह से जो मेन इंपोर्टिंग कंट्रीज थी जापान, यूएसए और ईयू, जो चाइना के रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट थी, इस डिसीजन की वजह से उन्होंने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर दी। 2014 में डब्ल्यूटीओ का वर्डिक्ट आया और उसने कहा कि चाइना की ये जो टैरिफ पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और उसको वो हटाना पड़ेगा। चाइना को डब्ल्यूटीओ का डिसीजन मानना पड़ेगा, वो हटा लेगा, लेकिन वो अभी भी प्लान कर रहा है कोई और तरीके से रिस्ट्रिक्शन बनाए रखने का, कोई और इन्वायरमेंटल ड्यूटीज या कुछ और लगा के फिर भी वो अपने एक्सपोर्ट को कम कर रखेगा ताकि उसकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उसका फायदा मिलता रहे। इसके लिए जापान, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रेयर अर्थ, उसने इंडिया के साथ एक अग्रीमेंट किया। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में जापान गए थे, 5 अग्रीमेंट जापान और इंडिया के बीच में साइन हुए थे। उसमें थे एक अग्रीमेंट ये था कि इंडिया जापान को रेयर अर्थ का सप्लाई करेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी उसके लिए असिस्टेंट करेगा, असिस्टेंस हमें जापान देगा। अब हमें लगेगा कि क्या इंडिया ने अग्रीमेंट किया है तो क्या इंडिया के पास रेयर अर्थ के रिजर्व है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट इतना बड़ा नहीं, क्योंकि 97% चाइना है, तो इंटरनेशनल शेयर तो हमारा सिर्फ 2% है। केरला, ओडिशा एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोर देन 95% ऑफ इंडियाज रेयर अर्थ प्रोडक्शन। लेकिन देखिए, इंडिया में इसके प्रोडक्शन में भी जैसा चाइना दिक्कतें फेस कर रहा है, हमें भी हो रहा है, राइट? क्योंकि हमारे अभी जो मोनेजाइट सैंड्स है और जो भी रेयर अर्थ के रिजर्व है, उन्हें माइनिंग के लिए वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी फेस करना पड़ेगा, उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए काफी सारे पॉल्यूशन होने के या कॉन्टामिनेशन होने के इश्यूज है, और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना भी काफी डिफिकल्ट है, राइट? तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम की वजह से हमारा रेयर अर्थ का जो एक्सट्रैक्शन है वो इतना पिकअप नहीं कर पाया। लेकिन जब जापान असिस्ट कर रहा है, कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाए तो हमारा भी शेयर 2% ज्यादा बढ़ जाएगा। चाइना के इंडस्ट्रियल रीजन्स, फर्स्ट भुगतान ट्रायंगल, सेकंड बीजिंग तियांजिन रीजन, थर्ड इज कॉल्ड यांगत्से बेसिन रीजन एंड फोर्थ इज कॉल्ड गुआंगझोउ मकाओ रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मकदेन रीजन, जो मैंने लियोनिंग प्रोविंस की बात की थी वहां पे मकदेन रीजन। मकदेन ट्रायंगल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे उसके 3 मेन सिटीज इंपॉर्टेंट है। लियोनिंग प्रोविंस उसका रिजर्व है, यहाँ पे आयरन, बोरोन, डायमंड्स यहाँ पे मिलते हैं, गुड रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। उसके हमने एक ऑयल फील्ड देखी थी, लियाओ ऑयल फील्ड, यहाँ पे पेट्रोलियम। इवन ये तियांजिन के बेजिंग के पास में छोटी सी वाटर बॉडी से गल्फ ऑफ बोहाई कहते हैं, और वहां पे भी पेट्रोलियम का रिजर्व मिला है, राइट? तो उसके पास खुद लियाओ ऑयल फील्ड है, बोहाई में से भी ऑयल फील्ड एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आयरन कोल के पे डिपॉजिट है उसके पास। ट्राइंगल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी 3 फेमस सिटीज शेनयांग, फुशुन और अनशन, दे आर द स्टील कैपिटल ऑफ चाइना। ये 3 सिटी में चाइना का सबसे लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन होता है। स्टील के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि पेट्रोलियम मिलता है तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे लोकेटेड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है। उसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप सदर मोस्ट देख सकते हैं, पोर्ट है उसका लियोनिंग प्रोविंस का डालियान पोर्ट। सो दिस वॉज मकदेन ट्राइंगल। दूसरा है बोहाई इकोनॉमिक रिम या बेजिंग तियांजिन रीजन। बेजिंग उसका कैपिटल और उसके साथ है तियांजिन प्रोविंस, यहाँ पे छोटा सा प्रोविंस है। तियांजिन प्रोविंस हैज द हाईएस्ट पर कैपिटल जीडीपी ऑफ चाइना। यहाँ पे मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कोस्टल रीजन है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये बनने जा रहा है, तियांजिन की बात करें, अब ये बनने जा रहा है, गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसको शिप बिल्डिंग और लॉजिस्टिक का हब बनाने के लिए ट्राई कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी भाई चल रही है।
देखिए ज्यादातर ये हो चुका है कि अगर मैं किसी की कोई भी सिटी के बारे में, कोई भी इंडस्ट्री कौन सी फेमस है, राइट, पहले जमाने में ये होता था कि कोई एक सिटी कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए फेमस होती थी, राइट, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग थी तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फेमस थी। लेकिन अब ये हो चुका है कि जैसे कोई भी रीजन में इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके बाद और सारी इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप होने लगती है, राइट, एक स्टील इंडस्ट्री तो उसके साथ जुड़ी सारी इंडस्ट्रीज, और सभी ऐसे प्राइमरी इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद सभी जगहों पर सर्विस इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, राइट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट कि उसमें कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, लेकिन जो भी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा शेयर उसमें होता है वो इंडस्ट्री उस सिटी के लिए फेमस है, ऐसा हम कह सकते हैं। और एक रीजन है यांगत से बेसिन रीजन, यानी यांगत से रिवर के अराउंड इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड है। सिजवान बेसिन की बात मैंने पहले ही कर दी, यहाँ पे राइस कल्टिवेशन या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे फेमस है। यांगत से रिवर का सबसे बड़ा फायदा ये कि पूरी नेविगेबल रिवर है, और इसीलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इसके कोस्टल एरिया में, जो सिटी में प्रोडक्शन होता है, वो वाटरवे के जरिए शंघाई पोर्ट तक पहुंचता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो सकता है। इवन रॉ मटेरियल भी बहुत ही इजीली कॉस्ट इफेक्टिव वे में आ सकता है। थ्री गॉस डैम इसी नेविगेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इरीगेशन बढ़ाने के लिए वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया। थ्री गॉस डैम इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन ऑल्सो। शंघाई जाने जाती है उसके स्टील, टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ये चाइना का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, यानी जैसे बॉम्बे इंडिया के लिए है वैसे ही शंघाई चाइना के लिए है। इसके अलावा शंघाई इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ चाइना और वर्ल्ड का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिया के हमारे 12 मेजर पोर्ट का टोटल कंटेनर जो भी शिपमेंट है उसका ट्रैफिक अगर हम काउंट करें तो भी शंघाई से मैच नहीं कर सकते। That is the busiest level of China's Shanghai port. यंगस से रीजन में तीन और सिटी इंपॉर्टेंट है, नानकिंग, वुहान और चेंगदू सिटी। नानकिंग उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वुहान सिटी स्टील और आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, चेंगदू रीजन जो सिजवान बेसिन के अंदर ही सिटी लोकेटेड है, वहां पे पेट्रोलियम रिजर्व भी मिलता है, आयरन रिजर्व भी मिलता है, इसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी जानी जाती है। गुआंगझो सिटी जो यहाँ पे पर्ल रिवर है, राइट, चांगजियांग रिवर उस पर लोकेटेड है ये फर्स्ट और अर्लीस्ट सेज ऑफ चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत जब 1980s में चाइना ने की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेज यहाँ पे गुआंगझो में उसने डेवलप किया था। गुआंगझो इज फेमस फॉर फिनिश गुड्स एंड लाइट इंडस्ट्रीज, इट इज वेरी क्लोज टू हांगकांग एंड मकाउ रीजन, दे आर ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर, और उसके नजदीक होने की वजह से उसे भी काफी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है।